हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और आज आपके साथ फिर से आ चुका हूं मैं आपको अपनी मॉन्स्टर टैंक अपडेट देने के लिए और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लाने वाले हैं अपने मॉन्स्टर टैंक के लिए और आप आज देख सकते हैं मेरा टैंक और कुछ ज़्यादा ही क्लीन दिख रहा है आपको पता है वो क्यों दिख रहा है क्योंकि जो हमने कल प्लेको फिश लाई थी आपको दिख रही है कि नहीं मुझे भी नहीं दिख रही है तो वो उसके वजह से इतना ज़्यादा क्लीन दिख रहा है आप देख सकते हैं मेरे स्टोन्स जो हल्के से ब्राउन हो चुके थे वो आज वाइट कलर के हो चुके हैं इस वजह से वो रिफ़्लेक्ट करके इतने ज़्यादा क्लीन दिख रहा है मेरा टैंक और ग्लासेस भी बहुत ज़्यादा क्लीन है तो आप भी अपने टैंक में एक ब्लैको फिश ज़रूर रखें तो उससे आपका टैंक बहुत ज़्यादा क्लीन दिखेगा बस क्लीन दिखेगा लेकिन वो अंदर से जो भी गंदगी है वो सब वो वैसे कि वैसी रहेंगी बस बाहर से क्लीन दिखेगा टैंक तो ये भी बहुत बड़ी बात है कोई फिश आपके लिए आपका मेहनत करके अपनी मेहनत करके आपका मेहनत बचा लेती है तो अभी ज़रूर प्लेको फिश लाएँ ऐड करें और जो हम खूबसूरत चीज़ आपको दिखाने वाले हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं वो कौन सी खूबसूरत चीज़ है और वो क्या चीज़ है तो वो खूबसूरत चीज़ ये है आपको मैं दिखाने वाला हूँ मैंने एक जेलीफिश लाया है जो कि एक ग्लोइंग जेलीफ़िश है मैंने इसे अपने शॉपकीपर से ही परचेज़ किया है देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है सिमुलेशन एक्वेरियम वर्ल्ड तो चलिए आपको दिखाते हैं ये कैसा दिखता है और इसका क्या वर्क है देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है ये है वो हमारा जेलीफिश ये लाइट में बहुत अच्छी तरीके से ग्लो करता है ये बहुत फ्लोरोसेंट वाला है तो देख सकते हैं ये है वो चीज़ देख सकते हैं कितना लंबा है और ये नीचे एक लगाने के लिए कुछ दिया हुआ है अपने जो आप अपने बॉटम में लगा सकते हैं तो आप देखिए इसे कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और ये हमारे मॉसडे में कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा जब यह मूव करेगा देख सकते हैं इसके बॉक्स में कुछ ऐसा है नहीं बस ये इतना ही है इसमें इंस्ट्रक्शन है आप देख सकते हैं लाइट ऑन करेंगे और ये सब वो सब आप पढ़ सकते हैं और ये जेलीफिश और मैं आपको बता दूँ ये कितने का मुझे पड़ा ये मुझे फाइव हंड्रेड का पड़ा मैंने शॉप से लिया इसलिए मुझे ये इतना पड़ा तो चलिए इसे अब हम लगा के देखते हैं ये कैसा दिखेगा हमारे टैंक में और इसमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है पता नहीं मुझे क्या है अच्छा ये हुक है तो चलिए इसे फिट करके देखते हैं हमारे मॉन्स्टर टैंक में जो हमारा ये मॉन्स्टर टैंक है हम उस पर फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसा दिखने वाला है हमारे टैंक में और ये मूव करता है कि नहीं या हमारी ऑस्करसी से, से कुछ खा मच जाए या फिर उन्हें दिक्कत ना हो चलने वलने में तो हम पूरा देखेंगे आज तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है तो चलिए सबसे पहले हम इसे वॉश कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये गंदा है हम शॉप से लाए तो हम कोई भी चीज़ शॉप से लाते हैं तो हम पहले उसे वॉश कर लेते हैं उसके बाद ही हम इसे अपने एक्वेरियम में लगाते हैं या फिर रखते हैं तो देखिए आप ये कितना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है यहाँ पे तो चलिए इसे लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसा दिखता है हमने इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया अच्छी तरीके से और ऊपर का लिड भी हटा लिया है और मैं सोच रहा हूँ इसे मैं ये जो वाइट स्टोन है वहाँ पे लगाऊँ ताकि इसके फ्लो से ये थोड़ा मूवमेंट करता रहे और अच्छा भी लगता रहे तो चलिए इसे थोड़ा दूर पे लगाएंगे ताकि ज़्यादा पास में बहुत ज़्यादा भी मूवमेंट होगा तो जहाँ पे वो ग्रीन कलर का प्लांट है हमारा हम शायद वहाँ पे उसे लगाएंगे तो चलिए लगा के देखते हैं कि कैसा दिखता है और कैसा लगता है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा टैंक में दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ओरिजिनल हो कोई जेलीफ़िश तो चलिए मैं ऐसे मूवमेंट करके दिखाता हूँ आपको कि मूवमेंट करने के बाद कैसा दिखता है तो चलिए मैं स्विच ऑन करता हूँ मोटर का आप देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है वो धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे से स्विम करने वाला है देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत और औरिजिनल लग रहा है ये जिस तरह के जेलीफिश चलती है ये उसी तरीके से चल रहा है देखिए किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है बहुत ही स्लो है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है हमारे मॉन्स्टर टैंक में आप देख सकते हैं और मैं आपको लाइट ऑफ करके भी दिखाता हूँ कि लाइट ऑफ़ करने के बाद और कैसा दिख रहा है चलिए लाइट ऑफ़ करते हैं देख सकते है, मैंने लाइट ऑफ़ कर दी है तो ये कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है और ये ग्लो कर रहा है आप देख सकते हैं और मैं आपको एक लाइट ऑफ और करके दिखाता हूँ अब देख सकते हैं ये अब और भी ज़्यादा ख़ूबसूरत दिखने लग गया मैंने एक लाइट ऑफ और कर दिए तो तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से ही दिखता है और चलिए हम लाइट ऑन कर देते हैं लाइट ऑन में ही अच्छा दिख रहा था तो, तो ये थी हमारी एक छोटी सी जेलीफिश जो कि एकदम रियलिस्टिक दिख रही है और बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चल सकता कि, कि ये नकली है असली है आप देख सकते हैं और ये कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से मूवमेंट भी जेलीफिश जैसा कर रही है और ये कितना अच्छी तरीके से ग्लो कर रही है ये पिंक कलर की जेलीफिश मैं आपको इसे टच करके दिखाता हूँ देखिए ये, ये ऐसे अगर ये फ्लोट करेगी तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारे पास अगर दो पावर फिल्टर होते तो ये दोनों साइड से बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से मूवमेंट करता देखिए मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया है इसका जो आप देख सकते हैं हल्की सी वायर है और ये बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे स्लो मूवमेंट करता है जैसे जेल फिश करती है आप देख सकते हैं सारे फिशेस कॉर्नर पे चले चुके हैं पता नहीं वो इसे डर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं लेकिन हमारी ऑस्कर और हमारी बाकी फिशेस ने इसे कुछ नहीं किया है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे